यामा वाला ब्लॉग जिन जिन लोगों ने देखा है, अगर उनको यामा में सर्विस ना कराना हो, यामा का कोई भी बाइक स्कूटी यार यहाँ लेकर आओ ऐसे सर्विस सेंटर। तो जो भी कुछ सर्विस होता है ना ओरिजिनल पार्ट विद बिल के साथ होता है, जेन्युइन होता है। मतलब कहीं भी आपको सर्विस कराना हो शोरूम से बाहर, भाई सामने मैं खुद करवा रहा हूँ, अब इसका भी काम होगा, आप लोग देखोगे। यहाँ ऐसे सर्विस सेंटर, ये बाहर में अगर किसी को बाइक रिपेयर करवाना हो, कोई भी स्पेयर पार्ट्स लेना हो, KTM का स्पेशली मैं बता रहा हूँ, KTM, यामाहा, बजाज। यार देखो बिना इंडिकेटर के ब्रेजा को घुमाया जा रहा है इसमें चार चक्के वाले, और हम हैं बाइक वाले। अब देखो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल RDX Pro। तो फिलहाल अभी तो मैं पहन रहा हूँ सॉक्स और नया सवेरा का ब्लॉग मैं इसी के साथ आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। फिलहाल आज हम लोग जा रहे हैं KTM शोरूम और सकी भाई के शॉप। आज आप लोगों को इस ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ जितने भी 400cc या उससे प्लस भी अगर किसी को कुछ भी काम कराना हो आउट ऑफ मार्केट, ठीक है, तो वो आज शॉप लेके मैं जा रहा हूँ। वो शॉप है शकील भैया का, मैं पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, SS सर्विस सेंटर पंडरा। तो फिलहाल आज मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे क्या होता है और कहाँ मैं सर्विस आफ्टर मार्केट कराता हूँ, शोरूम से बाहर करवाता हूँ। फिलहाल बहुत को ये रहता है कि ट्रस्टेबल जहाँ पे वो बने, जहाँ ट्रस्ट वाला बने, तो वैसा शॉप में आज लेके जाने वाला, क्योंकि आज मैं खुद करवाऊंगा एक सर्विस और फुल ट्रस्टेबल शॉप है। तो चलो यार बनते हैं ब्लॉक में, कंटिन्यू रहो मेरे साथ। फिलहाल सेफ्टी गियर्स के लिए सबसे पहले शूज मैंने पहन लिया, अब ग्लव्स, फिर हेलमेट्स। तो आते हैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में, मिलते हैं। ऑलराइट एवरीवन, वेलकम है मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में। तो अपने वाले हैशटैग के साथ इस वाले ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और अपने वालों को हेलो हेलो एवरीवन। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं पंडरा शकील भैया के शॉप में, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही होगा बाहर में अगर किसी को बाइक रिपेयर करवाना हो, कोई भी स्पेयर पार्ट्स लेना हो, KTM का स्पेशली मैं बता रहा हूँ, KTM, यामाहा, बजाज, तो विज़िट करो SS सर्विस सेंटर जो कि पंडरा में है। और शकील भैया का नंबर नीचे मैंने डाल रखा है। ओ यार, मतलब इतना मैं जानता हूँ कि जो शोरूम में सर्विस मिलता था वही KTM का बाहर में भी मिलेगा, तो आप आओ यहाँ भी सर्विस करवा सकते हो आफ्टर मार्केट। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं अभी हम लोग वहीं पर शकील भैया के पास। विवेक का ये रहा MT जिसको आज करवाना है फुल सर्विस, मतलब समझ रहे हो ना। तो फिलहाल चलते हैं, जो भी बात करेंगे भैया के सामने करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस दे पाएँ। तो ये तो यामा है, और मैं बताया कि यामा, बजाज, KTM स्पेशलिस्ट शकील भैया। यार अभी भी यहाँ पे धुंध धुंध सी छाई हुई है। टन टन टन, यार ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि आज हर एक जगह जाम 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 देखने को मिल रहा है। अरे भाई साहब आगे बढ़ाओ यार, बुलेरो वालों ऐसा जगह लेके रखोगे। ये रूट तो हर किसी को मालूम ही होगा क्योंकि शॉर्टकट का नाम आया, और ये अपर बाजार पहाड़ी मंदिर वाला रूट ना नज़र में आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आगे पहाड़ी बाबा, और हमारे जस्ट बाएँ में है बाबा शनि जी का मंदिर। जय शनिदेव। चलो लाइन क्लियर हो चुका है, और ये रहा पहाड़ी मंदिर। सवेरे सवेरे जय पहाड़ी बाबा। तो इसी के साथ हम लोग प्रस्थान करते हैं सीधे सीधे शकील भैया के शॉप में, क्योंकि शकील भैया से आज रूबरू करवाएंगे, हर एक चीज़ शकील भैया बताएंगे। चलो यार, इंसान को ट्रस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं पहले से जानता हूँ शकील भैया को, बट बाइक को मालूम है जो रिपेयर होगी उसे मालूम है कि मैं किसके हाथ से रिपेयर हो रहा हूँ। रियली मैं बता रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट आफ्टर मार्केट सर्विस शकील भैया SS सर्विस सेंटर रांची पंडरा, पंडरा रांची सॉरी। और ये देखो लेबू जा रहा है, लेबू 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 लेबू।
यार देखो बिना इंडिकेटर के ब्रेजा को घुमाया जा रहा है, ऐसे में होता है एक्सीडेंट। लेकिन क्या बोलोगे आप, अगर कुछ बोल दोगे ना तो ये लोग को लग जाता दिल में, क्योंकि ये लोग हैं चार चक्के वाले और हम हैं बाइक वाले। आ देखो, अरे भाई साहब बिना देखे खोल रहा है, गजब गजब भाई गजब, मानना पड़ेगा। वाह जी वाह, ये यही सारे चीजों से बचना रहेगा आपको। यार दूर से देखे तो ऐसे लग रही कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, फिलहाल ये तो वही फ्लाईओवर बन रहा है जो कि पूरे रांची में बन रहा है। रांची का सेटअप ही चेंज है क्योंकि रांची का चल रहा है अभी जो भी रेनोवेशन चल रहा है पूरे रांची का, वहाँ कसम बता रहा हूँ यार पूरा सेटअप चेंज हो जाएगा रांची, तो फिर रांची स्मार्ट सिटी प्लस हो जाएगा। लो जी, जैसे कि मैंने बताया था कि 15 में शकील भैया का है शॉप ऐसे सर्विस सेंटर, तो ये रहा सामने KTM शोरूम, बजाज शोरूम एंड होंडा जो कि आप लोग देख रहे हैं। हमें यहाँ नहीं जाना है, यहाँ से हमें सीधे जाना है आगे, वो सामने देखो दो टावर दिख रहा होगा, तो आगे वाले टावर के जस्ट ऑपोजिट साइड। फिलहाल आते हैं, मिलते हैं आप लोगों से शोरूम में भी, देखते हैं क्या होता है थीम उसके बाद ही, क्योंकि आज तो हम आए प्रॉपर शकील भैया के लिए। सही में बता रहा हूँ यार आप लोगों को, मैं हमेशा इससे पहले भी ऐसे बोलते आ रहा हूँ, मैंने भी काम करवाया है विद बजाज N160 का भी काम हुआ है, और अभी पल्सर ऑफिसली बजाज का है, और अभी होने वाला यामा का भी सर्विस MT-15 का, तो वो तो आप लोगों के सामने होगा। और ये रहा ऐसे सर्विस सेंटर ये, तो फिलहाल हम पहुँचने वाले हैं, यहाँ से लेते हैं U-turn। चलो जी फाइनली पहुंच गए हम लोग शकील भैया के शॉप में। एकदम बढ़िया, बस एसी का करना है। तो जैसे कि मैं आ चुका हूँ ऐसे सर्विस सेंटर, आप लोगों ने देखा शकील भैया से मैंने मिला। फिलहाल मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा भैया थोड़ा सा हट जाइए, पूरा यहाँ पे एमटी खुल चुका है और ये रहा सर्विस सेंटर, ऐसे सर्विस सेंटर 15 में जो है गाड़ी प्रॉपर रेडी हो रहा है शाहनवाज भैया और शकील भैया के जरिए। फिलहाल अवेलेबल है सेल के लिए, बाइक भी अवेलेबल है सेल के लिए, मतलब समझ सकते हैं। और वन ऑफ दी बेस्ट सर्विस, मतलब कहीं भी आपको सर्विस कराना हो शोरूम से बाहर, भाई सामने मैं खुद करवा रहा हूँ, अभी इसका भी काम होगा आप लोग देखोगे। तो फिलहाल तब तक सिनेमैटिक स्लो काम हो रहा है फिल। यह सिनेमैटिक्स तो आप लोग देख ही रहे हैं, बट ब्लॉग में और भी आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पे जो भी कुछ सर्विस होता है ना ओरिजिनल पार्ट्स विद बिल के साथ होता है, जेन्युइन होता है। मतलब जैसे कि ये भी देखो चाइनीज पॉकेट लग रहा था, यामा का है हर एक, सारा कुछ यामा का हर एक चीज, मतलब जो भी लगता है ओरिजिनल लगता है यहाँ का। ये एक खासियत है, बहुत क्या होता है कि थर्ड पार्टी सेकेंड पार्टी भी ला के लगाता है, बट यहाँ पे सारा कुछ ओरिजिनल। अब इसका चाइनीज पॉकेट लग चुका है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और जब प्रॉपर गाड़ी हो रहा है रेडी यार फील आएगा राइड में। चाइनीज पॉकेट देख रहे हैं, पूरा चेन नया है यार, यहाँ का एक यही फायदा है, मतलब प्रॉपर चीज ओरिजिनल। जैसे कि आप लोगों ने सिनेमैटिक्स देखा, सारा कुछ प्रॉपर तरीके से बन रहा है, यहाँ पे सर्विस हो रहा है। फिलहाल यामा वाला ब्लॉग जिन जिन लोगों ने देखा है, अगर उनको यामा में सर्विस ना कराना हो, यामा का कोई भी बाइक स्कूटी, यार यहाँ लेकर आओ ऐसे सर्विस सेंटर और सर्विस करो, मैं खुद करवा रहा हूँ और रिव्यू तो आपको मिल ही जाएगा क्योंकि बनने के बाद ब्लॉग के एंड में। तो यार फिर से कंटिन्यू ब्रेक लेंगे, सिनेमैटिक्स का एंजॉय करो क्योंकि आगे का रेसर भी चेंज हो रहा है,
मैंने बताया ना कि प्रॉपर ओरिजिनल सामान के साथ यहाँ काम होता है, पूरा ओरिजिनल, कोई भी फर्स्ट कॉपी नहीं, सेकंड पार्टी कोई नहीं, सब ओरिजिनल यामा से ला के लग रहा है। जैसे कि अभी ये भी लगा तो यामा, ये भी यामा का रेसर, मतलब हर एक चीज यामा, यहाँ तक कि स्पार्क प्लग भी यामा से ला के लगाया था। गाड़ी प्रॉपर सर्विस होकर रेडी हो चुका है, जैसे और भी कोई आके देख रहे हैं, क्योंकि साइकिल भैया का शॉप इतना भयानक चल रहा है ना, ऐसे सर्विस सेंटर। तो आई होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फिलहाल मेरा भी ड्यूटी का टाइम हो रहा है, विवेक एमटी को लेकर रिसीव करके घर चला आएगा। और आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर तरीके से मालूम चल गया होगा कि शोरूम से भी बाहर अच्छा सर्विस कहाँ होता है। तो होता है यहाँ पंडरा में ऐसे सर्विस सेंटर, आओ यार विजिट करो। बाइक्स के बारे जो भी प्रॉब्लम है सारा कुछ होगा, मतलब ए टू जेड। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते, टिल देन बी सेफ, सेफ राइड, सेफ्टी गियर्स प्रॉपर। अभी फिलहाल ड्यूटी ज्वाइन करना है, ड्यूटी से मेरा भी फोन आ गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।